खबर में हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। गहलोत मंत्री परिषद की बैठक खत्म हो चुकी है। गहलोत मंत्री परिषद की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। सभी मंत्रियों ने बोर्ड परीक्षाओं को निरस्त करने पर सहमति बनी है। और चलिए सीधे लिए चलते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। जितने प्रतिशत लॉकडाउन खुला है उसी हिसाब से टीचर्स को बुलाए जाएंगे और जब तक सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से नहीं खुल जाता है तब तक किसी भी टीचर को जो बाहर से आता है उसको वो साला प्रधान उसको कंपेल नहीं कर सकता है, क्योंकि काफ़ी ऐसे टीचर हैं जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य, जब सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट खुल जाएंगे और लॉकडाउन के हिसाब से जब ऑफिसेज खोलने की जितने प्रतिशत की छूट सरकार के द्वारा दी जाएगी उतने प्रतिशत शाला के अंदर टीचर आएंगे, शेष को दूसरे कार्य में लगाया जाएगा। इसलिए 10वीं और 12वीं की जो एग्जाम्स कैंसिल की गई हैं उसके बारे में जल्दी हम मेथड तैयार करके और जो बच्चे पढ़े हैं उनका किस प्रकार से मार्किंग होगी 10वीं और 12वीं की वो तय करके, यानी सर ये परीक्षाएं नहीं होंगी, ये कैंसिल का मतलब यही माना, कैंसिल का मतलब ये है कि परीक्षाएं नहीं होंगी। लेकिन जैसे CBSE ने ये कहा है कि अगर कोई बच्चे उससे हमारी मार्किंग से संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर सामान्य स्थिति होने पर कोरोना खत्म होने के ऊपर उसके ऊपर विचार किया जा सकता है। तो ये विकल्प हमारे लिए भी खुला हुआ है, लेकिन आज की तारीख में जो फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि 10वीं और 12वीं की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं कैंसिल की गई हैं, नहीं होंगी। क्या पैटर्न कुछ डिसाइड, कुछ फॉर्मूले पे बात हुई है सर? क्या नहीं, वो फॉर्मूले पे यहाँ पे बात नहीं, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को तय करना है कि किस प्रकार से उन्होंने टेस्ट लिए हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स ली है, 10वीं के क्या मार्क्स हैं, 11वीं में उसकी क्या परफॉर्मेंस है, 12वीं में जो बच्चा पढ़ा है उसने किस प्रकार से पढ़ा है, कितना वर्कबुक में काम किया है, कितना उसने टेस्ट में लिखा है, कितना ऑनलाइन वो बिजी रहा है, किस प्रकार से रहा। तो वो सारी चीज़ें देख करके एक मेथड जल्दी हम लोग तय करेंगे जिससे बच्चे के भविष्य के साथ में कोई खिलवाड़ ना हो और वो पूरी तरीके से संतुष्ट रहे कि हाँ मैं इस कैटेगरी का था जितने नंबर मेरे आए। नए शैक्षणिक सत्र को लेकर एक बार दोबारा बता दीजिए सर, क्या नया शैक्षणिक सत्र 6 तारीख तक था, 7 से खुल गया। PO हमारा पहले से ही मौजूद है, कोरोना में उसकी ड्यूटी है। जितना लॉकडाउन कार्यालय खोलने के बारे में छूट देगी सरकार उतने प्रतिशत टीचर को ही स्कूल में बुलाया जाएगा, लेकिन जब तक सार्वजनिक परिवहन चालू नहीं होगा तब तक वो टीचर अगर विद्यालय में नहीं जाता है तो उसके खिलाफ किसी तरह का कोई एक्शन नहीं होगा, जो जिले से बाहर का है या आ नहीं सकता हो किसी कारण से, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी में आता है कि सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट नहीं खुला हो तो झुंझुनू का आदमी, अलवर का आदमी बाड़मेर में कैसे जाएगा, इसलिए उसका भी हमने ध्यान रखा है। बाकी शेड्यूल हम लोग कल जारी कर देंगे कि उसको क्या क्या करना है, विद्यालय में कितने प्रतिशत को आना है, उनको बच्चों को किस प्रकार से जो स्माइल प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से कैसे तैयार करना है, वर्कबुक कैसे तैयार करना है, उनका एडमिशन कैसे होना है, उनका प्रमोशन के जो बनाने हैं मार्कशीट वगैरह प्रमाण पत्र बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं, ये सारी चीज़ें कल हम लोग जारी कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर भी चर्चा हुई है और इसको विस्तार से प्रमुख शासन सचिव फाइनेंस को कहा गया है कि आप इसमें ढंग से तैयारी कीजिए, क्योंकि केंद्र ने जो पैकेज देने की बात की है वो बिल्कुल एक तरीके से वो पैकेज कोई पैकेज नहीं है। 10 लाख रुपए की बात की है लेकिन तब दिया जाएंगे तब 18 साल का हो जाएगा, यानी उसको आज की तारीख में कुछ नहीं मिल रहा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि जो बच्चे इस कोरोना के कारण से अनाथ हो गए या जिसके दोनों माँ बाप चले गए या एक पहले चला गया एक बाद में चला गया वो ऐसा होगा, तो उनको तात्कालिक राहत क्या मिलनी चाहिए, एजुकेशन उनकी बाधित नहीं हो इसके बारे में, चाहे तात्कालिक आर्थिक सहायता के बारे में,
प्रमुख शासन सचिव फाइनेंस को मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि जल्दी एक इस तरीके का अच्छा सा पैकेज तैयार कीजिए जिससे उन लोगों को जो अनाथ बच्चे हो गए उनको किसी तरह की रहने की खाने की उनके पालन पोषण की उनके एजुकेशन की किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। ये सरकार पूरी तरीके से मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि इनकी हम सब व्यवस्था करेंगे। वैक्सीन वेस्टेज के ऊपर जो प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वो जब एक्सपोज हो गए कि उनकी वैक्सीनेशन देने की नीति गलत है, वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, फ्री में वैक्सीनेशन देने की बात थी वो फ्री में दे नहीं रहे हैं, ग्लोबल टेंडर हो नहीं रहे हैं, ऐसे में केवल मात्र भ्रम फैलाने के लिए और सरकार को बदनाम करने के लिए बातें की जा रही हैं, जबकि स्वास्थ्य मंत्री जी ने पूरी तरीके से बता दिया कि जो केंद्र सरकार के वैक्सीनेशन वेस्ट होने के जो मैक्सिमम जो क्राइटेरिया है कि 10% तक वैक्सीनेशन खराब हो सकती है वो कहीं भी नहीं हुई पूरे राजस्थान में, और पूरे देश में जितने भी राज्य हैं उनमें भी नीचे पायदान के ऊपर वेस्टेज कम होने वाले राज्यों में राजस्थान का नाम है। और जो बूंदी में 25% बना रहे हैं वहाँ 2% के लगभग है, दूसरे जिलों में भी उन्होंने बताया कि जितनी वैक्सीन होनी चाहिए उससे ज़्यादा डोज हमको लगाएं, जितनी उपलब्ध हुई उससे ज़्यादा, यानी माइनस में है, और वो कहीं 10% बता रहे हैं, कहीं 15% बता रहे हैं, कहीं 25% बता रहे हैं। तो जो मोदी जी वैक्सीन देने में विफल हो गए, जो भारतीय जनता पार्टी कोरोना संक्रमण में केंद्र की सरकार से किसी तरह की सहायता लाने में विफल हो गई, वो अब इस तरीके का भ्रमजाल फैला रही है जिससे कि उनको ये हो कि जो मोदी जी की बदनामी हो रही है वो कम हो, और भारतीय जनता पार्टी जो कहीं दिख नहीं रही थी इस कोरोना काल में लोगों की सेवा में, वो अपने आप को ये साबित करने में लगी हुई है कि देखो वैक्सीन थी लेकिन 10 लाख का आंकड़ा कहाँ से लाए, वो कहाँ से लाए 10 लाख का आंकड़ा, कोई आंकड़ा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा का सारा भ्रम फैलाया जा रहा है केंद्र के इशारे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के MPs मंत्री और नेताओं के द्वारा, उसको हम लोग पूरे तरीके से खारिज करते हैं। और माननीय चिकित्सा मंत्री जी ने बाकायदा लिख के दिया है उनको हर्षवर्धन जी को जवाब कि ये है, आपने सार्वजनिक चिट्ठी की इसलिए मैं भी सार्वजनिक कर रहा हूँ, उसका जवाब आज तक हर्षवर्धन जी की तरफ से नहीं है। कोरोना में सर शानदार प्रदर्शन किया है पूरे प्रशासन ने, लेकिन फिर भी कुछ प्रशासन अधिकारियों को लेकर मंत्रियों ने शिकायत की आज सीएम से, खासकर जयपुर कलेक्टर को लेकर। तो चर्चाएं सब तरह की चलती हैं, सब अच्छा भी कहता है, किसी के कोई लगता है कि भाई मेरी बात नहीं सुनी गई होगी तो उन्होंने कहा होगा, लेकिन इस तरह की बात कोई अलग से कोई बात नहीं है। अपने अपने जो वृतांत बताते हैं आदमी के साथ, मेरे साथ ये हुआ, मैं वहाँ गया, वहाँ अच्छा हुआ, वहाँ अच्छा काम कर रहा है, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, उन्होंने उठाया, इस तरीके की बातें चलती हैं, लेकिन वैसे कोई इस तरह की कोई शिकायत नहीं थी। उनका ये था कि भाई मेरे फ़ोन नहीं उठाया या फ़ोन पे जवाब नहीं दे पाए, प्रताप सिंह खाचरियावास जी की बात ज़रूर आई थी, बाकी सब लोग एक ही स्वर में ये कह रहे थे कि सरकार ने और अधिकारियों ने सब ने अच्छा प्रबंधन किया है, और उससे बौखला करके भारतीय जनता पार्टी जो वैक्सीन देने में विफल हो गई केंद्र की सरकार, उसको ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके के झूठी भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। कुछ लेकर कुछ तैयारियां सर आने वाले दिनों में, और कुछ पाबंदियां धीरे धीरे उसको लेकर कुछ बात हुई खुलने की? वो जैसे जैसे वो कमेटी बनी हुई है तो जैसे जैसे जरूरत होगी वैसे वैसे। एक बात ये भी आई थी कि सुबह 6 से लेकर के और 11 के बजाय इसको दिन में खोला जाए, एक जो खाद बीज की दुकानें थी उसके लिए भी दिन के लिए बात आई कि सब बैंक में काम होता है, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसको हम दिखवाएंगे, तो मैं समझता हूँ उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे। सर आज मीटिंग से पहले प्रियंका जी ने आपसे और मुख्यमंत्री से अपील की थी इस परीक्षा को लेकर? नहीं, मुख्यमंत्री जी का जो प्रियंका जी का ट्वीट है वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और शिक्षा मंत्रियों से और पहले प्रधानमंत्री जी से था, तो निश्चित रूप से जो उनको लगा और जो जनता की भावना थी उसके मुताबिक ट्वीट किया, और उस ट्वीट को भी हमको प्रभावित किया उसने भी कि हमारी लीडर भी ये कह रही हैं, जनता भी ये कह रही है, अभिभावक भी ये कह रहे हैं, तो हमको भी आज मंत्रिमंडल में ये निर्णय किया कि भाई हम भी एग्जाम नहीं। कोरोना विदाई की तरफ केसेस कम हो रहे हैं तो संगठन में नियुक्ति आप लोग जिलाध्यक्ष तैयारी कर रहे हैं? आज तो आई बात हुई, आज तो आई गिनी है यार, दूसरी और गिनी
कुछ और थोड़ी सर, इसके अलावा आप ही बता दो बिना सवाल के। बिना सवाल कुछ डिस्कशन कोई खास बात कुछ और रही हो? नहीं नहीं, वो एकदम बहुत लंबी बैठक चली थी, वो तो कोरोना। तो अभी आपने सुना गोविंद सिंह डोटासरा को, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पर यह कहा कि कोरोना का हवाला दिया है और कहा कि जो एग्जाम है वो रद्द कर दिए गए हैं छात्रों के, क्योंकि कोरोना के केसेस लगातार जो सामने आ रहे हैं उसके मद्देनजर